दोस्तों ये मुगल्स का निशात गार्डन श्रीनगर कश्मीर से, इसका एंट्रेंस, बेहतरीन झरना, नेचुरल वाटर, सामने डल झील, बहुत दूर तक फैली हुई डल झील। आइए अंदर चलते हैं। एक और शानदार बगीचा मुगल्स ने बनाया। मुगल आर्किटेक्ट, मुगल शैली में कटे हुए वृक्ष, इसलिए इसको मुगल गार्डन भी कहते हैं। रेड रोज, यहाँ की खूबसूरती। शानदार बगीचे, बेहतरीन प्लेस, आपका दिल खुश हो जाएगा इस जगह में आके। बहता हुआ पानी, पानी, बगीचे, मुगल स्थापत्य कला, मुगल आर्किटेक्ट की मेन पहचान है। पीछे पहाड़, दैट्स व्हाई कश्मीर इज नोन एज पैराडाइज ऑन द अर्थ। JNK निशात बाग, श्रीनगर से अंशुमान दीक्षित आपकी सेवा में। एक और शानदार ट्रैवलिंग व्लॉग आपको मुगल गार्डन की सैर कराते हुए। मुगल्स बादशाहों ने कश्मीर को बगीचों का शहर कहा है, बिल्कुल सही है। खूबसूरत रेड रोज, पिंक रोज, बहुत करीने से सजाया गया है इन बगीचों को, बेहतरीन खूबसूरती। मखमली हरी कालीन बिछी हुई, घास की कालीन, इतने सुंदर बागीचे आपको इस प्लेनेट पे कहीं नहीं मिलेंगे। मुगल आर्किटेक्ट में शाहजहां का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। शाहजहां ने ताजमहल भी बनाया था और उसको सुंदरता, सुंदर चीज़ें बहुत पसंद थी। इतने बड़े साइज के रेड रोज,
पंछी पानी पीते हुए। अद्भुत सुंदरता, शब्दों में बयान करना मुश्किल है यहाँ की खूबसूरती को। लोग बगीचे का लुत्फ लेते हुए छांव में ठंडी हवा। यहाँ का नारियल, ये देखिए, जिसके लिए मुगल बगीचे फेमस हैं, बहता हुआ पानी। कश्मीर सामने डल झील का अद्भुत नज़ारा, निशात गार्डन। चारों तरफ जंगल, बैकग्राउंड में पर्वत, सामने डल झील। ऐसा अद्भुत संगम, जंगल, पहाड़, झील, झरने और प्राकृतिक सुंदरता, बेहतरीन खुशबू वाले फूल। ये कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं देखने को मिले। Oh, no, no.
पहाड़ों को काट काट के स्टेप गार्डन बनाए गए हैं। एक एक स्टेप ऊपर जाते जाते जा रहे हैं हम लोग। जितना आप ऊपर आ रहे हैं उतनी ही शांति, हरियाली और भव्यता। चारों तरफ नैसर्गिक सुंदरता बिखरी पड़ी है। एक और शानदार झरना, हर एक स्टेप पे एक नया झरना ऐड हो रहा है। अभी मैं आपको सबसे ऊपर वाले पॉइंट से, फिर उसके बाद डल झील और पीछे के पहाड़ों को दिखाऊंगा। सुंदर नज़ारा देखिए, कितना सुंदर झरना, कल कल कहता हुआ बहता हुआ पानी। हम लोग पृथ्वी की जन्नत कश्मीर में निषाद गार्डन में, मैं आपके लिए एक से एक शानदार ब्लॉग लेके आ रहा हूँ हिंदुस्तान और बाकी सारे खूबसूरत जगहों से। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। हम लोग लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, एक से एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं और आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, एक के बाद एक स्टेप हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अभी एक और स्टेप, हर एक स्टेप के साथ हम लोग डल झील से और ज़्यादा ऊंचे आते जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नई नई क्यारियाँ बनाई जा रही हैं, पुराने पौधे जो ख़राब हो गए हैं उनको हटा के नए पौधे लगाए जा रहे हैं। वर्कर्स यहाँ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं ताकि बगीचे को और अच्छा बनाया जा सके। गार्डनर्स हम लोग निषाद गार्डन के लगभग पीक पॉइंट पे आ गए हैं। सबसे पीक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग निषाद गार्डन के। देखिए यहाँ पे चिनार के वृक्ष, ये बहुत मजबूत और गगनचुंबी। चिनार के वृक्ष लगे हुए हैं। चिनार को कश्मीर का वर्ल्ड हेरिटेज ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ।
चिनार के बारे में। ये भी चिनार का वृक्ष है, चारों तरफ चिनार के पेड़ लगे हुए हैं। इनके तने का डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत विशाल वृक्ष हैं, और इतना ज़्यादा मजबूत और बड़ा तना होने की वजह से ही ये इतने ऊंचे वृक्षों का भार सह लेता है और ये पहाड़ की मिट्टी को बांध के रखता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चिनार के बारे में, द हेरिटेज ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द चिनार। तीन सौ 65 साल पुराना वृक्ष है ये, 165 फीट ऊंचा, इसकी चारों तरफ फैली हुई ब्रांचेस, और ये एक ऐसा पेड़ है जिसने इस मास्टरपीस आर्किटेक्चर को देखा होगा शुरुआत से। और इसका निषाद गार्डन का आखिरी स्टेप, आइए आपको आखिरी स्टेप दिखाते हैं निषाद गार्डन का, उसके बाद हम नीचे उतरेंगे। देखिए मुगल किले की दीवारों जैसा लग रहा है, मुगल आर्किटेक्ट साफ दिखाई देता है। कर्मचारी यहाँ पे सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ पे सारे जितने भी चिनार के वृक्ष हैं काफ़ी प्राचीन हैं, और जो मैंने ये एक और शानदार झरना, हम लोग निषाद गार्डन के सबसे टॉप पॉइंट पे आ गए हैं। ये नेचुरल सोर्स है पानी का, पानी यहाँ से निकल के नीचे उतर रहा है। आइए आपको मेन सोर्स दिखाते हैं कहाँ से पानी आ रहा है पहाड़ों से। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद ये क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए कि इस घर के अंदर से पानी कहाँ से निकल रहा है। ये नेचुरल सोर्स है, इस पर भी देखिए मुगल स्थापत्य कला, मुगल आर्किटेक्ट। नाउ वी आर ऑन द टॉप ऑफ द निषाद गार्डन, सबसे टॉप पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ से पानी का सोर्स दिखेगा आपको, मुगल आर्किटेक्ट। ये देखिए ये पानी का सोर्स, जहाँ से पानी आ रहा है जमीन के अंदर से।
जिसके पीछे रोड बनी हुई है वहाँ से पानी आ रहा है। और ये पानी लगातार रहता हुआ नीचे जाके डल झील में मिलता है। डल लेक को कंटिन्यूस पानी सप्लाई करता है। मुगल कालीन इमारतें जो कि टाइम टू टाइम रिनोवेट की गई हैं, सीढ़ी लेके रिनोवेट की गई है इसकी, नीचे पत्थर लगाया गया है। पानी के बीचों बीच आ गया हूँ मैं। आनंद लीजिए पानी का ठंडा सा फ्यूल। तेजी से बहता हुआ पानी, इसे देखिए रोड है और ये जमीन के अंदर से पानी आ रहा है, ऊपर पहाड़ों से होता हुआ है और ये दूर सामने डल झील में जाके मिलता है। तो मैं अंशुमान दीक्षित और आप मेरे साथ हैं कश्मीर श्रीनगर के शानदार ट्रैवलिंग ब्लॉग में। हम लोग निशात गार्डन की सैर कर रहे हैं और मैंने अभी आपको पानी के झरने का सोर्स दिखाया निशात गार्डन में। इस बिल्डिंग से पानी निकल के आ रहा है, ये सबसे पहला झरना है और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग नीचे उतरेंगे पानी के साथ साथ। सामने देखिए डल झील दिखाई देगी आपको और ये निशात गार्डन का सबसे पीक पॉइंट है। सामने दूर तक फैली हुई डल झील जिसमें कमल के सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, दूर कहीं सिकारे चल रहे हैं, हाउस बोट भी हैं। सामने नीचे देखिए लोग पानी में अठेलियाँ करते हुए। ये देखिए पानी यहाँ पे नीचे जा रहा है, सुंदर दृश्य, झाग बनाता हुआ कलकल करता हुआ सुंदर दृश्य। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। मैं अंशुमान दीक्षित, थैंक यू वेरी मच।